नमस्कार, मैं हूं कुमार गौतम और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज पर हम बात करेंगे पीएम मोदी के उस ड्रीम प्रोजेक्ट की जिसका आज एक साल पूरा हो गया है। जी हां, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और पूरे एक साल तक लाभुकों को इसका फायदा मिला, इसी खास मौके पर आज देवघर के विधायक नारायण दास ने एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए इस योजना की पूरी जानकारी दी। श्री नरेंद्र मोदी की सौगात आयुष्मान भारत, जिन्होंने सारी मंजिलों को तय करते हुए एक वर्ष यानी कि पहली वर्षगांठ एक साल का कालखंड पूरा हुआ है और बड़ा ही सुंदर तरीके से इस कार्यक्रम का मंच संचालन कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्हें हमेशा आप अखबारों में पाते हैं। निश्चित रूप से मैं उन्हें शब्द बीज कहता हूं, वैसे मेरे अग्रज उत्तम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित देवघर के उप विकास आयुक्त महोदय और जिसके परिसर में ये कार्यक्रम हो रहा है, देवघर सदर हॉस्पिटल के सीएस साहब कुमार विजय जी, और जिनका अभी उद्बोधन आप लोगों ने सुना, वो देवघर शहर के गार्जियन हैं, हम सबों के अभिभावक हैं और निश्चित रूप से साहित्य, संस्कृति और समाज के निर्माण में हमेशा लगे रहते हैं, वैसे हम सबों के अभिभावक जो आयुष्मान भारत देवघर जिला के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, आदरणीय रामनंदन सिंह जी, मेरे बड़े भाई अशोक झा जी, सामने बैठे स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरगण, सभी कर्मीगण और उपस्थित नौजवान साथियों, बहनों, मीडिया के साथियों, जब से देश में मोदी जी की सरकार आई है और एक ऐसी सरकार बनी है जिनके द्वारा निरंतर कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की जा रही है, सरकार बने, सरकार अच्छे ढंग से काम करे तो निश्चित रूप से समाज के ऊपर इसका असर पड़ता है। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वैसे लोगों के लिए है जो समय पर अपना इलाज नहीं कर पाते थे। पहले भी एक परंपरा चली थी और जो बीपीएल धारी होता था उसी का इलाज। लोगों से इतना कहेंगे कि पहली बार यह सरकार आई है जिनसे जनता का संबंध अच्छा है, प्रशासनिक लोग भी जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, हर जगह आप जाइए देखिए प्रचार के लिए, विज्ञापन के लिए कहीं कहीं इश्तहार दिया हुआ है कि 24 घंटे हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं। इस बात को आपको जानने की आवश्यकता है। रही बात प्रधानमंत्री आयुष्मान गोल्डन कार्ड, अभी जिस बात को बोला जा रहा था कि यह हॉस्पिटल में राशि आती है और उसका समुचित इलाज होता है, यहां भी देवघर सदर हॉस्पिटल अच्छा काम कर रहा है। मैं सीएस साहब से इतना ही कहूंगा कि इसका फैलाव हो, हर जगह इसकी चर्चा हो और आप अपने स्तर से अभी जितना भी हॉस्पिटल है, प्राइवेट है, सरकारी है, उसको कम से कम दीवार पर लेखन जरूर करा दें ताकि लोगों को इसका लाभ हो, क्योंकि वो भटकते रहता है, कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो वहां कहता है कि आयुष्मान कार्ड यहां इस हॉस्पिटल में नहीं दिया जाता है, इसका समुचित लाभ नहीं दिया जाता है, इसको रेखांकित कर दिया जाए ताकि लोगों को इसका लाभ मिले। और मेरा ऐसा मानना है कि सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चल रही है निश्चित रूप से उसका आमजनों को लाभ मिल रहा है और देवघर एक ऐसा शहर है जहां स्वास्थ्य के लिए अब लोगों को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को पता होगा चंद दिन पहले एम्स की पढ़ाई यहां 50 छात्र और छात्राओं के लिए शुरू की गई, एक साल के बाद ओपीडी में
तरह तरह की सेवाएं यहाँ दी जाएगी। और देवघर की धरती पर अगर एम्स आ गया तो यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ी बात है और झारखंड के लोगों के लिए एक बड़ी बात है। तो देवघर स्वास्थ्य का हब बन रहा है, देवघर हर तरह से उपयुक्त है और देवघर अपने पांव पर खड़ा है। यहाँ की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री का भी नज़र देवघर में है और कल मुख्यमंत्री जी अपने जन आशीर्वाद कार्यक्रम के तहत देवघर आ रहे हैं। हम आप लोगों को इस मंच से सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आए, उनके संबोधन को सुने। और ये देश बदल रहा है, ये झारखंड बदल रहा है और झारखंड की गाथा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। चाहे विकास किसी रूप में अगर आपको देखना है तो आप झारखंड जाइए और विकास की पहली कड़ी किरण कहीं से शुरू होती है, पहली कड़ी कहीं से दिखाई देती है तो वो झारखंड का संथाल पूर्णा प्रमंडल है। ये झारखंड बदल रहा है और झारखंड की गाथा देश के प्रधानमंत्री कहते हैं। चाहे विकास किसी रूप में अगर आपको देखना है तो आप झारखंड जाइए और विकास की पहली कड़ी किरण कहीं से शुरू होती है, पहली कड़ी कहीं से दिखाई देती है तो वो झारखंड का संथाल पूर्णा प्रमंडल है, जहां सभी प्रकार की चीजें विकास का एक अद्भुत चमत्कार लेके आई है। चाहे एम्स की बात कीजिए, एयरपोर्ट की बात कीजिए, संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कीजिए, सारी योजनाएं देवघर झारखंड में चल रही है। हम आप लोगों से निवेदन करेंगे ऐसे कार्यक्रमों को आप लोगों तक पहुंचाएं और इसका लाभ लें। जोहार झारखंड, भारत माता की जय। तो देखा आपने कि किस तरीके से विधायक नारायण दास ने कार्यक्रम में शिरकत करते हुए न सिर्फ कार्यक्रम का आगाज किया बल्कि यह भी बताया कि प्रधानमंत्री की ये इस योजना से देवघर सहित पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश को फायदा हुआ है। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें एबी न्यूज़ के साथ।